जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रूसी शहर कजान पहुंच गए हैं। यहां ब्रिक्स की 16वीं बैठक हो रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हो रहा है। रेड कारपेट, वार्म वेलकम, रेड कारपेट रिसेप्शन पीएम मोदी को दिया गया है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को, सभी को। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मोदी साहब जब भी रशिया उतरते हैं, किसी भी सिटी में या शहर में उतरे, उनका बड़ा ही जबरदस्त इस्तकबाल जो है वो किया जाता है। तो ये इस वक्त वहां पर हो रहा है दोस्तों। इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी लीड कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। तो आप इस ब्रिक्स समिट को कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रिक्स की समिट कजान में जो होगी, ऐसी अब समिटें तो होती रहेंगी। इंपॉर्टेंट है जो ब्रिक्स की जो सिग्निफिकेंस है। अब आप ये समझ लीजिए, ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अराइवल जो है, जो कि वहां पर वो पहुंचे और सेरेमनी, एक गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, बहुत वार्म वेलकम किया गया, और फिर कैपिटल सिटी जो वहां का था, प्रिपेयर्ड फॉर इस विजिट, और बहुत कुछ उसके अंदर हुआ। फिर जो पुतिन है, उन्होंने हाईलाइट किया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स, अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया, ठीक है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस पहुंच चुके हैं, उनका वेलकम भी बहुत वार्म तरीके से हुआ, भारतीय मिठाइयों के साथ। इसके बाद जिस तरीके से सबसे पहली मीटिंग, बायलेटरल मीटिंग रूस में पहुंचते ही ब्रिक्स के साइडलाइन में, वो भारत और रूस की हुई, यानी पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी जी की, यानी ब्रिक्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है, वो साइडलाइन में भारत और रूस ने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि किस पे वीटो करना है, किस पे नहीं करना है, क्या करना है, कि कौन एंट्री लेगा, कितने मेंबर्स इस बार नए जुड़ेंगे, वो सब भारत और रूस ने साइडलाइन में मीटिंग कर ली है। इसी के साथ साथ मे भी रशिया यूक्रेन वॉर पे भी बात हुई हो और कई सारे मुद्दे पे बात हुई हो, लेकिन सबसे पहली मीटिंग पुतिन साहब ने नरेंद्र मोदी जी के साथ की। ये काफ़ी अच्छी बात है, जो दर्शाता है कि भारत और रूस के रिलेशन कितने मजबूत हैं। कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति हो, रूस हमेशा भारत को प्रायोरिटी देता है अन्य देशों की तुलना में। कहीं भी आपको भारत अकेला नहीं मिलेगा, भारत के साथ आपको रूस जरूर खड़ा मिलेगा, कितना भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन ये होती है दोस्तों। हालांकि भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, तो फाउंडिंग मेंबर्स के पास वीटो होता है, तो ब्रिक्स में भारत के पास वीटो है, रशिया के पास भी है, चाइना और ब्राजील के पास भी। पीएम नरेंद्र मोदी लैंड्स इन द हेरिटेज सिटी ऑफ रशियास कजान। कजान में पीएम मोदी लैंड कर चुके हैं, और उसके ऊपर कहा जाए लैंड्स इन द हेरिटेज सिटी ऑफ कजान रशिया ऑन अराइवल पीएम वाज वार्मली रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ टाटरिस्तान रुस्तम मिनीखानोव। उन्होंने उनको रिसीव किया है, उनकी तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं, जिसमें जो वहाँ के कजान के जो एक वो है ट्रेडिशनल ड्रेस, उसके अंदर जो है उनको रिसीव किया गया है। रेड कारपेट वार्म वेलकम, रेड कारपेट रिसेप्शन पीएम मोदी को दिया गया है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को, सभी को। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मोदी साहब जब भी रशिया उतरते हैं, किसी भी सिटी में या शहर में उतरे, उनका बड़ा ही ज़बरदस्त इस्तकबाल जो है वो किया जाता है। तो ये इस वक्त वहाँ पर हो रहा है, और लाइव मैं आपको ये बता रही हूँ। नरेंद्र मोदी ग्रीट्स एंड इंटरेक्ट्स विद मेम्बर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा से उनकी इस वक्त मुलाकात हो रही है, एज ही अराइव्स एट होटल कॉर्स्टॉन इन कजान। और रशिया, ही इज हेयर टू अटेंड द 16th ब्रिक्स समिट, और काफ़ी वहाँ पर इंडियंस जमा हो चुके हैं, और वहाँ की जो, यानी कि रशिया इंडियन जो डायस्पोरा है, उसने बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम किया है मोदी साहब को। और उसी तरीके से वो जब भी कहीं पहुँचते हैं, तो इंडिया का एक जो कल्चरल कहना चाहिए कि जो हमें नज़र आता है वहाँ पर, कि कैसे
कल्चरल वैल्यूज को सामने रखा जाता है वहाँ पे, रक्स, इंडियन डांस, म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस, ये सब कुछ चलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मोदी साहब को रिसीव किया गया। दोस्तों इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहाँ पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज़ फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज़ फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आपको उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया, अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया, ठीक है। बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है, और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी, फिर जफ्फी पाती है ना, और वो जो है वो जारी बात है सारी की सारी जफी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफियां पुतिन को पांदा है, यार मारा है जफियां पुतिन को डालता है, ठीक है। और ये वो जफी है जो मोदी साहब आपको पता डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीजों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज अ स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक चीज याद रखें, टू बी अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल, दैट मेक्स सेंस, इट मींस द पर्सन हैज गट्स, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है, उसे पता है कि लोगों की नब्ज कहीं फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है, इंडिया ऑलरेडी इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूं और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी जारी बात है वो जैसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है दो दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या बोला मोदी जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी उन्होंने वो हमें इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए। दोस्तों ब्रिक्स की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि यार भारत के दुश्मन देश भी इसमें मेंबरशिप लेने के फिराक में, जैसे कतर, जैसे तुर्की, जैसे पाकिस्तान और भी दो तीन देश हैं, जो बांग्लादेश भी एक है, बांग्लादेश को क्या ही दुश्मन कंसिडर करूँ बट है बांग्लादेश, तो कई सारे देश इसमें लाइन में लगे हैं, साइड लाइन में। पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में ये बातें जरूर हुई होंगी, भारत कह रहा होगा पाकिस्तान को क्यों ले, एक्सप्लेन करेगा रशिया इसलिए लो इसलिए मत लो, भारत एक्सप्लेन करेगा भाई इसलिए मत लो, रूस कहेगा आप तो सही कह रहे हो, तो ये मीटिंग में चीज़ें डिसाइड होंगी। अब ब्रिक्स में आपस में झगड़े ही लगेंगे कि भाई इसको लेना है उसको नहीं लेना है, ठीक है ये सारी चीज़ें पहले से ही साइड लाइन में डिसाइड हो जाए तो अच्छा रहता है। खैर मुझे तो काफ़ी 0% चांसेज लग रहे हैं
कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो, क्योंकि कई वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि यार ब्रिक्स को पाकिस्तान कुछ नहीं दे सकता, कोई एक चीज भी ब्रिक्स को नहीं दे सकता है, पाकिस्तान 1% भी सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उल्टा बोझ और बन जाएगा ब्रिक्स पे, गधे को मतलब धोना पड़ेगा एक तरीके से, ब्रिक्स को कोई फायदा नहीं है, और भारत रूस को ये चीज़ें समझाएगा अभी अच्छे से। हाँ, लेकिन तुर्की है, कतर है, बहरीन है, मैं ऐसे देश को बता रहा हूँ जो एंटी रहे हैं, बांग्लादेश है, और ऐसे देश हैं, अब देखते हैं इस पे, इनको शामिल करना भी कुछ देशों को ज़रूरी है, और क्योंकि रूस ने प्रतिबद्धता दिखाई है तुर्की को लेके, अब तुर्की को लेके अगर रूस ने प्रतिबद्धता दिखाई है तो भारत भी कैसे डिनाई करेगा, क्या फैक्ट एंड फिगर रखेगा कि तुर्की क्या कर सकता है क्या नहीं, तो इस पे भी बातें होंगी। खैर देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा यार कौन कौन ब्रिक्स का मेंबर बनता है, ब्रिक्स प्लस की बातें हो रही हैं, कौन होता है ब्रिक्स प्लस में, देखते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।